अब व्यवस्था की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर चतरा की है, चतरा का विशाल नगर। एक अदद सड़क के लिए यह जगह तरस रही है, आज से नहीं, एक लंबे समय से। यहां एक अदद अप्रोच रोड तक नहीं है। अब यही हाल बाकी सुविधाओं का भी है। इस गांव की स्थिति पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। सिंह नहीं तबु नाम तार सिंह हो, डिम नय तबु अश्व डिम गाए, लागे छका भाबा छका हम्बा हम्बा ठीक 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 ठीक। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन चतरा के देवरिया गांव के विशाल नगर के लोगों की तकदीर बस यही है। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित विशाल नगर के लोगों को अपने घर से निकलने पर क्या क्या देखना पड़ता है वो तस्वीरें बता रही है। यहाँ के लिए एक अदद अप्रोच रोड तक नहीं है, और बरसात के मौसम में तो खैर गांव का हाल ही क्या कहिए। इनके कुछ ना है, यहाँ ना रोड है ना पुल है ना कुछ ना है, पानी के भी दिक्कत है, और हम इनके कहीं आवे जाए के हम इनके कोई व्यवस्था ना है। अगर नदी भर जाए तो हम इन ई पार के यही पार रह जाइए, वो पार के वही पार रह जाइए। देखिए लिए हैं हम लोग का रास्ता, यहाँ नदी में बाढ़ आ जाता है, दो चार गो लड़का तैरने जानता सब हमेशा रहता है यहाँ पर, कोई कोई डूब ना जाए इस लोग पार कराने के लिए रहता है, इतना मुश्किल से हम लोग को जाना पड़ता है। जब गांव में सड़क ही नहीं तो अन्य मूलभूत सुविधाओं का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा तो आसानी से लगाया जा सकता है। न यहाँ कोई अपनी बेटी देना चाहता है, न कोई यहाँ से बेटी ले जाना चाहता है। वहाँ रोड भी हो सकता है, बिजली भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है, तो शादी भी ना ब्याह होने ना बरसात के समय शादी होगा तो कैसे जाएगा वो रोड से, गुजरेगा कैसे वो। हम चतरा के जांगी पंचायत के विशाल नगर में आए हुए हैं और यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इस गांव में आने के लिए सबसे पहले, अब जब इस गांव में आएंगे तो सबसे पहले आपको एक नदी का सामना करना पड़ेगा। अगर बरसात का दिन है तो नदी पार करने में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। विकास की कोई किरण यहाँ नहीं है, ना यहाँ सड़क की व्यवस्था है, ना यहाँ बिजली की व्यवस्था है, और ना ही पानी की व्यवस्था है। पानी के लिए सरकार के द्वारा एक टंकी तो लगा दिया गया है, लेकिन जब धूप रहता है तो पानी चलती है, अगर धूप नहीं है तो पानी के लिए भी यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा कि सरकार ऐसे गांवों पर क्या ध्यान देती है और कब तक यहां विकास की पहिया तेजी से दौड़ती है। न्यूज 11 भारत के लिए संजय।